हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। यहाँ पर यूएफए चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है अर्सेनल वर्सेस पीएसवी के बीच 12:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो अर्सेनल एंड पीएसवी में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं डबल साइड फेवर रखूँगा, क्योंकि खाली अर्सेनल को फेवर करना इस मैच में बहुत रिस्की है और खाली पीएसवी को भी बहुत रिस्की है। अपनी टीम मेंटेन रखना कि अगर पीएसवी तरफ से गोल हो तो भी ना हारो, अर्सेनल की तरफ से गोल हो तब भी ना हारो। तो और सबसे पहले चलते हैं स्ट्राइकिंग की ओर। सबसे पहला प्लेयर एल डी जोंग, एल डी जोंग इज़ अ मेन प्लेयर। मैं आपको बता दूँ, एल डी जोंग अभी तक देखा जाए तो सबसे बेस्ट प्लेयर पीएसवी का यही है मेरी नज़र में। पहले बहुत थे, एक्स सीमेंस था, ठीक है, तो जैसे वीरमैन हो गया, बकायो हो गया, तो ये जैसे जी टिल हो गया, इधर ऐड हुआ है नया प्लेयर और उसने टीम छोड़ दी है, ठीक है, लोजैनो ऐड हुआ है तो उसने टीम छोड़ी है, अपना एक्स सीमेंस ने छोड़ दी और इनके एक और बंदे ने टीम छोड़ी है पीएसवी के, इसका नाम ही याद आ रहा, आई संगारे ने। तो अच्छी है, मतलब पीएसवी टीम में नए बदलाव आए हैं। और अपोजिशन टीम की बात करें तो मार्टिनेली तो इंजर्ड है, तो ये तो खेलने से रहा, तो जीसस खेलेगा, और जीसस अगर खेलेगा तो नकीतिया अगर खेलता है तो मैं उसको लूँगा, बट तब तक मैं एन लैंग को सेव कर रहा हूँ। मिडफील्डिंग सेक्शन से अगर बात करें तो यहाँ पे लूँगा एम ऑडेगार्ड को, ठीक है, एम ऑडेगार्ड के बाद बी साका, उसके बाद जो मेरा अगला प्लेयर है वो है वीरमैन के बाद जो अगला प्लेयर होगा वो होगा बाकायोको के बाद अगर जी टिल खेलता है तो अच्छी बात है। नहीं, जी टिल पहले भी था इनमें, मैं भूल गया, जी टिल तो आई थिंक शुरू से ही है, बट वो भी इंजर्ड है ना, तो काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहा, तो एक्चुअली एक तरह हम इस खिलाड़ी को भूल ही गए थे, वरना जी टिल तो एक नाम हुआ करता था कि जब खेलता था। बट एक प्लेयर की बहुत मिसिंग है, यहाँ पर सिमंस की मिसिंग है जो कि जा चुका है, आई थिंक बंडसलीगा का टीम, एक टीम है उनकी लीपजिग करके, उधर चला गया है। एंड आई संगारे का मैच मैंने अभी हाल ही में कवर किया था, वो भी नहीं खेल रहा, तो ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, मतलब थोड़ा खाली खाली लग रहा है मेरे को यहाँ पर पीएसवी टीम थोड़ी। तो एल्ट्रोसार्ड ने भी लास्ट मैच में गोल किया था अर्सेनल की तरफ से, तो हो सकता है ये भी खेले, ठीक है, जो भी खेलेगा बदल लेंगे लास्ट में। अभी तो आप ये है कि मैं एक्चुअली दोनों साइड के मेन प्लेयर आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो अर्सेनल भी फाड़ूडी में, पीएसवी भी, एक प्लेयर भी छूटा हार हो जाएगी। बात करें डिफेंडिंग सेक्शन से तो यहाँ पे लूँगा रमेलो के बाद जेटीज़ को तो मैं अभी नहीं ले रहा, एक्चुअली मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी अन्य खिलाड़ी को उठाऊँ, क्योंकि जो एक की प्लेयर का काम करे, जैसे कि पी वैन एंड हॉल्ट। और अपोजिशन टीम की बात करें तो जी मैगलस ही बनता है, डब्ल्यू सलीबा तो मेरे हिसाब से नहीं बनता। गोलकीपिंग सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर है रैम्सडेल, ठीक है, रैम्सडेल को लूँगा। और आगे से बात करें कप्तान की, जो मेरा कप्तान है वो होगा एल डी जोंग, और जो मेरा वाइस कप्तान है वो है एम ओडेगार्ड तब रखना जब एल डी जोंग को नहीं रखोगे तो सीधा, ठीक है। तो ये मेरी टीम है, थोड़ी रिस्की है क्योंकि किसी का भी कप्तान मेरे हिसाब से एल डी जोंग नहीं होने वाला इस मैच में, और हो सकता है एम ओडेगार्ड का गोल आए, मैं ये नहीं कह रहा। तो जिन लोगों ने सेव जाना है वो एक काम कर सकते हैं, वो एम ओडेगार्ड को अपनी टीम का कप्तान भी रख सकते हैं, वाइस कप्तान भी रख सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आपने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन तो बहुत है, यहाँ वीरमैन अच्छा है, साका अच्छा है, ओडेगार्ड अच्छा है, एल डी जोंग अच्छा है, जी जीसस अच्छा है, एक भी बेकार खिलाड़ी नहीं है। ये तो हमारे ऊपर है कि हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।